Hey all, welcome back again to my educational YouTube channel Commerce Knowledge Pool. मैं हूँ प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ आई हूँ. जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि कल ही हमने एक वीडियो में डिस्कशन किया था कि आज एक मीटिंग कंडक्ट होने वाला है जिसका नाम था टास्क फोर्स मीटिंग. तो सभी जानते होंगे कि आज मीटिंग तो कंडक्ट हुआ था, बट वो मीटिंग में क्या क्या इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस हुए वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स कि हम ये सब क्यों डिस्कशन कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है स्टूडेंट्स कि जो आज मीटिंग कंडक्ट हुआ है उसका इम्पैक्ट आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स पे होने वाला है. तो किस तरह से आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स पे इम्पैक्ट होगा वो सभी कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको कंप्लीट और राइट इन्फॉर्मेशन मिल पाए. बिफोर दैट स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. इवन नोटिफिकेशन को ऑन रखें क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लगातार मैं OCSPN इकोनॉमिक्स के वीडियोस अपलोड करती जा रही हूँ. तो जिस तरह से आपको पता होगा स्टूडेंट्स के बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन बैंक आ चुके, बट सॉल्यूशन से वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ. तो जितना हो सके स्टूडेंट्स आप सॉल्यूशंस को गो थ्रू करें बिकॉज आपकी जो एग्ज़ाम से उनके लिए जो आपके क्वेश्चन बैंक दिए गए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो अभी बोर्ड एग्ज़ाम पे ये मीटिंग का किस तरह से इम्पैक्ट हो सकता है वो आइए हम डिस्कस कर दें. स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था कि आज एक मीटिंग कंडक्ट होने वाला था जिसका नाम था टास्क फोर्स मीटिंग. तो आज 5 बजे से मीटिंग तो कंडक्ट हो चुका था और शुरू भी हो चुका था. काफ़ी हद तक मीटिंग चला जहाँ पे CM और जो टास्क फोर्स थे उन्होंने बहुत सारे डिस्कशन किए रिगार्डिंग लॉकडाउन. बट द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो मीटिंग में कोई फाइनल डिसीशन नहीं हो पाया. सो अगेन वापिस से 8:30 बजे वापिस से एक मीटिंग शुरू हुआ जहाँ पे होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी, ये सभी का यहाँ पे मीटिंग कंडक्ट हुआ जहाँ पे लॉकडाउन के रिलेटेड कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में डिस्कशन चल रहा था. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो लॉकडाउन है वो कब से लगाया जाए. द फर्स्ट थिंग कि 8 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए कि 14 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए. तो बातें सामने ऐसी आ रही स्टूडेंट्स कि 14 दिन का लॉकडाउन लगने वाला है. अभी 14 दिन का अगर लॉकडाउन लगता है स्टूडेंट्स तो वो कब लगेगा उसका भी फाइनल डिसीशन ऐसा बता रहे वो लोग कि फाइनल डिसीशन भी आज नहीं लिया जाएगा. मतलब आज जो भी मीटिंग कंडक्ट हुआ है स्टूडेंट्स उसमें कोई भी फाइनल डिसीशन रिगार्डिंग लॉकडाउन नहीं आया है. ऐसा बताया जा रहा है कि आपका जो लॉकडाउन का डिसीशन होगा कि कब से लॉकडाउन होगा, कल से लॉकडाउन होगा तो आंसर इज नो, कल से तो लॉकडाउन नहीं होने वाला है स्टूडेंट्स. सिर्फ सैटरडे संडे लॉकडाउन था, अभी कल से वापस से सब कुछ शुरू होगा. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लॉकडाउन कब से होगा. तो ऐसे बातें सामने आ रही है कि 14 तारीख से लॉकडाउन हो सकते हैं, 14 तारीख के बाद 14 अप्रैल के बाद डिसीशन लिया जाएगा लॉकडाउन के लिए. अभी आपके लिए क्यों जानना ज़रूरी है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर 14 अप्रैल के बाद अगर डिसीशन लिया जाता है कि लॉकडाउन 8 दिन का होगा या 14 दिन का होगा तो स्टूडेंट्स सब तक तो आपके एग्ज़ाम के डेट आ जाएंगे. क्योंकि सभी को पता है कि 23 अप्रैल को 12th के बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, 29 अप्रैल को आपके 10th के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं. तो तब तक तो अगर 14 दिन का लॉकडाउन हो जाता है तो एग्ज़ाम का क्या होगा. तो स्टूडेंट इससे हमें एक अंदाज लग सकता है कि आपके एग्ज़ाम के बारे में आज कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ है. ना तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया है कि अगर लॉकडाउन होगा तो एग्ज़ाम का क्या होगा. कोई भी डिस्कशन आज नहीं हुआ है. CM का और जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनकी भी कोई भी बातचीत नहीं हुई है. बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिलेटेड कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है आज के मीटिंग में. और ना आगे कब डिस्कशन होगा उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन आज नहीं बताई गई है. तो हमें सिर्फ एक पॉइंट समझ में आता है स्टूडेंट्स कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम वही डेट पे भी हो सकते हैं. और अगर वही डेट पे हो गए तो डेफिनेटली आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी स्टूडेंट, जिस तरह से आप अभी कर रहे हो. या फिर जैसा लॉकडाउन का डिसीशन आएगा उससे हमें पता चलेगा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स कब होंगे. क्योंकि एक बार लॉकडाउन का डिसीशन आ गया तभी जाके आपके बोर्ड एग्ज़ाम का डिसीशन आएगा. सो स्टूडेंट्स मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आपसे
ये वीडियो का पर्पस ही ये था स्टूडेंट्स, कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि लॉकडाउन हो जाएगा तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे या पोस्टपोन हो जाएंगे, तो आप गलत हो स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी तक कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। तो आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे कि वही डेट पे होंगे, कोई अंदाज हम नहीं लगा सकते। तो आपको अपनी पढ़ाई को जारी रखना है स्टूडेंट्स, आपको उसको फुल स्टॉप नहीं देना है। यू हैव टू कंटिन्यू विथ योर स्टडीज़ जैसे आप अभी भी कर रहे हो। तो आपको रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, एंड आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स के बारे में कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। सो स्टूडेंट्स, मेरा रिक्वेस्ट आपसे कि पढ़ाई करो, और आप जितना आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है रिगार्डिंग योर स्टडीज, सो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स, ठीक है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, एंड कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, एंड हार्ड वर्क फॉर योर स्टडीज़, ठीक है? हार्ड वर्क करो, डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।